जशपुर और सरगुजा जिलों में किसानों को सस्ते में बोरवेल खनन और जैविक खेती के झांसे में लाखों रुपए ठगने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लता खूंटे ने सरगुजा मार्ट नाम की एक फर्जी कंपनी बनाकर किसानों से रुपए ऐंठे थे। आरोपी ठग महिला के मामले में सरगुजा जेल में बंद थी। जशपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट में उसे जशपुर लाकर कार्रवाई की। मामले की जानकारी SP शशिमोहन ने न्यूज टीम को दी। इसके द्वारा सरगुजा मार्ट कंपनी की डायरेक्टर लता खूंटे प्रोडक्शन वारंट में इन्हें लाकर, जो कि अंबिकापुर जेल में निरुद्ध थी, इन्हें जशपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। और लास्ट वीक इनके कंपनी के डिप्टी डायरेक्टर निशांत तीके और फ्रांसिस पन्ना एजेंट, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और इन लोग के विरुद्ध धोकड़ा चौकी में 420 का मामला पंजीबद्ध है। हमारे जिले के भोले भाले ग्रामीणों को कम पैसे में बोर खनन के नाम पर ठगी की गई थी और कुछ लोगों पर बोर खनन किया गया कम पैसे में, और इसी के लालच में आके अन्य ग्रामीण इनके साथ आए और बहुत सारे 108 लोगों का इन्होंने फॉर्म भराया, जिसमें कुछ लोगों से पैसा ले लिया और उनके पैसे वापस नहीं किए। मीडिया में जब ये खबर आई इनके दो अधिकारियों की गिरफ्तारी के, उसके पश्चात अभी और नए 7 लोग हमारे समक्ष आ गए हैं जो इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहे हैं। इन 3 अधिकारियों को इनके कंपनी के गिरफ्तार किया जा चुका है और हम इनके संपत्ति का भी पता लगा रहे हैं। आवश्यकता पड़े तो इनकी संपत्ति भी अटैच किया जाएगा। इस तरीके से इस गिरफ्तारी